जो भी दर्शक अभी अभी इस मैदान के आमने सामने आए हैं और इस मैच को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल आप देख रहे हैं ये आज का फर्स्ट राउंड का फर्स्ट मैच। व्हाइट एंड रेड यानी कि सफेद और लाल रंग की जर्सी में है राजू एंड ब्रदर्स आदित्यपुर की टीम, वही ठीक हमारे मंच के बाईं छोर पर पीले रंग की जर्सी में है रेहान स्पोर्टिंग उड़ीसा की टीम। स्कोर कार्ड की बात करें तो फिलहाल एक गोल की बढ़त के साथ खेल रही है राजू एंड ब्रदर्स आदित्यपुर की टीम। मैच के लगभग 13वीं मिनट में सुनील लोहार ने बेहतरीन गोल किया था, जिसके बदौलत फिलहाल एक गोल की बढ़त के साथ खेलती हुई राजू एंड ब्रदर्स आदित्यपुर। सेकंड हाफ का खुद निकल आप सबों के सामने, फिलहाल एक मौका बन सकता है, अच्छी मूवमेंट बनाई गई है घनश्याम गेंद के साथ, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद लंबी क्लियरेंस। और इस समय अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर बेहतरीन खेल, फिलहाल रंगलाल लंबी किक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार डिफेंडर तक गेंद पहुंचाई जरूर गई है रेहान स्पोर्टिंग ओडिशा। पहली गोल की तलाश, प्रकाश अगर आप पेनाल्टी तक भी जाना चाहेंगे तो पहली गोल की तलाश आपको जारी रखनी होगी। बहुत दिन के बाद वापसी कर रहे हैं धोना हांसदा डीसी सैंडल के एक और बेहतरीन खिलाड़ी, बहुत ही सुंदर रूपा पूर्ति गेंद निकालने में कामयाब, मौका बनेगा पहली गति दिखाते हुए रूपा पूर्ति और पांडे लगातार संयम के साथ खेलते हुए प्रकाश इस समय दिखा जा रहा है कि उड़ीसा की टीम भले ही पीछे जरूर है, लेकिन काफी सुंदर फिलहाल मधुरेश मुर्मू एक उभरते हुए सितारे उड़ीसा क्षेत्र के कटकाठी में, निश्चित तौर पर भले ही थोड़ा सा फुटबॉल के अनुरूप बैठते या नहीं बैठते, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन रहा है काफी शानदार रहा है इस साल, होने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने के क्रम में दाहिने छोर से मौका बनेगा रेहान स्पोर्टिंग ओडिशा। मौका बनाते हुए धीरे धीरे, हालांकि अपने एक बार सिंगो की रन आती हुई सिंगो मार्डी जैसे नंबर 10 पर चली अपने को टच रन के बाहर। सबको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, प्रकाश चाहे निर्णायक हो चाहे खिलाड़ी हो चाहे गोलकीपर हो, काफी अच्छा टेस्ट किया गया है सभी को, और जिस मैच में सबको टेस्ट किया जाता है मैच हमेशा बेहतरीन होती है। और शंकर एक बात ये भी है कि आज जो 8 टीम मैदान के बीच बीच खेलेंगे सभी टीम फाइनेंस किए हुए टीम होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं हर टीम में, और हर टीम मैनेजर हर टीम फाइनेंसर यही चाहता है कि अपने टीम के कोई भी जोर को कमजोर ना रखा जाए, चाहे ऑफेंस लाइन हो डिफेंस लाइन हो गोलकीपर हो हर एक खिलाड़ी मेरा अच्छा हो। लिहाजा आप देख सकते हैं कि मैदान के बीचों बीच सभी खिलाड़ी ने आज बेहतरीन फुटबॉल खेली है और कोई भी जोन किसी भी टीम का कमजोर नहीं है। और फिलहाल घनश्याम मुर्मू की रन आती हुई, अच्छी गेंद सुनील लोहार के लिए लेकिन पास थोड़ी सी कहीं गई, बड़ा तो फिलहाल भीम की रन आती हुई, बहुत ही सुंदर गेंद घनश्याम के लिए निकालने में कामयाब, लेकिन बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर ठाकुर मिश्रा, अच्छी गेंद भीम के लिए और फिर से एक बार अच्छी गेंद, मौका बनेगा जगह बनाने की कोशिश, फिर एक बार भीम एवरम किक भी आई जमीन हवा में लहराती गेंद आमने सामने और डिंडा की फिर से का पंच आउट, फिर एक बार विकास नायक दुलू की क्रॉस लेकिन काफी ऊंचाई ज्यादा रही
पार्टी ने कुछ एक बार पंच आउट टीम के हेडर और गेंद चली गई तो एक बार गोल की इशारा दिखाते हुए निनाड चलिए स्किल के बाद वाले खेल खेलने के लिए आप दोनों टीम तैयार रहेंगे कोहिनूर स्पोर्टिंग बालीनगर और राज स्पोर्टिंग सरायकेला फर्स्ट राउंड का सेकंड मैच आप दोनों टीमों को खेलना है और इस बार फिर से एक बार रेहान इस बड़ा रहा स्पोर्टिंग और इसका मौका बनेगा अच्छी गेंद धारा हैवरों की टेकल आती हुई फिलहाल सुनील लोहार अच्छी गेंद पुनः एक बार भीम हैवरम गेंद तक पहुंचने में कामयाब और सर चेन है रेहान स्पोर्टिंग के खिलाड़ी बापू अभी जा रहे हैं बापू यश नंबर शिवर एक अच्छा मौका मिला है फिलहाल राजू एंड ब्रदर्स आदित्यपुर की टीम को इसके पहले जितने भी इस तरह के मौके मिले थे हर किक को बेहतरीन अंदाज से लिया गया था गोल नहीं हुई तो अलग बात थी लेकिन एक नपित लिखी हुई थी लेकिन फिलहाल घनश्याम किक लेने के लिए तैयार होते हुए ऊंचाई थोड़ी ज्यादा थी लिहाजा कोई लाभ नहीं मिल पाया इस मौके का प्रकाश अगर यहाँ पर राजू एंड ब्रदर्स की बात करें तो विगत दो सालों का ये विजेता टीम रही है यानी 2022 और 2021 में ये विजेता टीम रहे हैं इस टूर्नामेंट के दो साल से लगातार बैक टू बैक फाइनल इनको जीतने का मौका मिला है जिसमें हर साल बेहतरीन खिलाड़ियों का समावेश रहता है और आज एक खिलाड़ी चोटिल जरूर हुए हैं ठाकुर किस्को जो टीम के थ्रू कीके हैं इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई है इनको आज अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर प्रकाश दोनों ही टीमों ने बिल्कुल सांसी रोक देने वाले फुटबॉल खेली है जितने भी दर्शक जहां खड़े हैं जहां बैठे हैं वहां पर अपनी जगह को सुनिश्चित कर लिए हैं तो निश्चित तौर पर दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक खासियत यह भी है कि दोनों टीमों ने अभी तक अनुशासन को नहीं तोड़ा है अनुशासन के दायरे में रहकर ही अपना प्रतिभा को दिखा रहे हैं अमूमन होता है संकट जब इस तरह से काफी ज्यादा प्रेशर वाले मैच होते हैं बहुत बार खिलाड़ी अपना आपा खो बैठते हैं लेकिन फिलहाल दोनों टीमों ने बेहतरीन पेशेंस के साथ खेला इस बार काफी दूर से कोशिश आई गति थी किक के पीछे लेकिन ऑफ टारगेट किक अंदर होती तो निश्चित तौर पर रिहर्सल